नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। एटीएम लूटने वाले बेखौफ बदमाश जनपद में कई एटीएम घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और पुलिस को भनक तक नहीं पड़ी। घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा ये बदमाश ताहिर, जो कि हरियाणा का निवासी है, ये अपने तीन अन्य साथियों के साथ एटीएम लूट रहे थे। तभी पुलिस को वायरलेस के जरिए सूचना मिली। सेक्टर 126 गांव रायपुर में एचडीएफसी का एटीएम अज्ञात बदमाशों द्वारा काटा जा रहा है। सूचना पर पीसीआर 22 मौके पर पहुंची, जहां बदमाशों द्वारा पीसीआर को देखते ही अपनी सेंट्रो गाड़ी से भागने का प्रयास किया गया। पीसीआर ने सेंट्रो गाड़ी में टक्कर मारकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसके दौरान कार में सवार चारों बदमाश कार से उतरकर भागने लगे। इसी दौरान थाना सेक्टर 49 थाना प्रभारी, जो कि एक्सप्रेसव क्षेत्र में वांछितों की तलाश के लिए अभियान चला रहे थे, और उनका आमना सामना चार बदमाशों से हुआ। बदमाशों को टोकने पर बदमाशों के द्वारा SO49 की गाड़ी के ऊपर सामने से सीधा फायर किया गया, जिसके बाद SO49 के द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया, जिसमें एक बदमाश ताहिर हुसैन पुत्र बसरू निवासी दिपिया का थाना ताब्दू जिला नू मेवात गोली लगने से घायल हुआ, एवं तीन बदमाश जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल हुए। घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। देखिए, आज मॉर्निंग में लगभग 4 बजे के आसपास, ये रायपुर गांव है, वहां पे एक एटीएम है। उस एटीएम को काटने के लिए कुछ लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। इसकी सूचना तत्काल मिली और इमीडिएटली विद इन नो टाइम चौकी इंचार्ज अंकुर चौधरी और वहाँ जो हमारे पीसीआर 22 के दो सिपाही ललित और विपिन, इन दोनों ने बहुत ही एक्सलेंट काम करते हुए इन लोगों ने जा करके वहाँ पे अटैक कर दिया उन लोगों के ऊपर। वो लोग सभी लोग सेंट्रो गाड़ी से थे, सभी सेंट्रो गाड़ी वहाँ से लेके भागे। हालांकि कुछ देर के बाद उनकी सेंट्रो वहीं छूट गई, उसके बाद सभी लोग वहाँ से पैदल भागे। हमारे लोगों ने उनका पीछा किया, उसमें से तीन लोग तो आप देख रहे हैं जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ बेसिकली थोड़ा सा ये पुस्ते का एरिया है। यहाँ पे तीन लोग तो इन झाड़ियों में कहीं निकल गए। एक आदमी ने जब अकेले वो दिखा अपने हमारी पुलिस टीम को अपने के घिरता हुआ देखा, उसने पुलिस टीम के ऊपर फायर किया। उसमें SHO हमारे 49 के धर्मेंद्र और ACP, ये तीनों उस समय तक आ गए थे। इन लोगों ने लीड किया और लीड करने के बाद इन लोगों ने जब उस लड़के ने गोली चलाई तो हमारे तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें एक व्यक्ति घायल हुआ और बाकी जो तीन थे वो तीनों यहाँ से गायब हो गए। जो घायल था उसको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचवाया है और उससे पूछताछ की गई है। ये बेसिकली नूह मेवात हरियाणा का रहने वाला ताहिर है, जो बेसिकली ATM काटने वाला गैंग है। इसके साथ जो तीन लोग और भागे हैं, इनके बारे में हम लोगों ने इसे पूछताछ की है। उसके नाम पते हम लोगों के पास आ गए हैं और हम लोग तत्काल बाकी और लोगों को अरेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीमें निकल चुकी हैं और यहाँ पे फॉर्चुनेटली ATM बहुत ज़्यादा उसमें से कुछ नहीं हो पाया था। ATM पे काटने का जरूर प्रयास हुआ था। इनके पोजीशन से असलहे जो अभी जिससे अभी फायर कर रहे थे वो, और जो गाड़ी है सेंट्रो, ये हम लोगों ने बरामद की है। बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देश की लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें आज के मुद्दा के साथ, और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।